हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोम्स आईएएस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और हमने 9th का भी सिलेबस कवर कर लिया और हम 10th के लास्ट चैप्टर में। बट अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा? हमने पॉवर्टी के बारे में भी पढ़ लिया, हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स के भी सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए और 10th के भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। बट अभी तक हमने एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सब कुछ पढ़ लिया, प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ लिया, बट अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, यानी अपने बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंज्यूमर्स हैं, तो अब इकोनॉमी का हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक, क्योंकि हम लोग चीज़ें खरीदेंगे तभी तो कुछ होगा ना, मतलब मनी का लेन देन, ट्रेड, कंज्यूमर तो चाहिए ही चाहिए, बिना कंज्यूमर के तो इकोनॉमी चल नहीं सकती, ठीक है। तो द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। सबसे पहले मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस वो जगह है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मिलते हैं, ठीक, जहाँ पे ट्रेड होता है। आज के टाइम पे ना आपका घर ही एक मार्केट प्लेस है। आप ऑनलाइन भी तो पेमेंट कर, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो आप जहाँ जाओ वो हर जगह मार्केट प्लेस बन जाती है, ठीक। तो एक कंज्यूमर मार्केट प्लेस पे बहुत, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप गए हो किसी भी शॉप में, मतलब, और जो चीज़ आप लेकर आए अब आप घर आके चेक करोगे चीज़ तो चीज़ में कोई डिफेक्ट है, तो अब आप सोचोगे कि मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं करके लाया मैं या लाई मैं। फिर अगर आप ठीक करने जाने ही वाले होंगे या फिर सोच ही रहे होंगे कि जाऊंगा वापस उसके पास, तो शॉपकीपर के पास, फिर ऐसे बोलूँगा कि भाई आपने डिफेक्टेड प्रोडक्ट दिया। फिर कोई घर वाला बोल देता है कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, कितने का ही तो था, है ना, रहने दो। अब फिर हम वो रहने ही देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है, जो शॉपकीपर्स हैं और जो जो मार्केट के पीपल है, ठीक, वो काफ़ी ऐसा यू नो करते हैं कंज्यूमर्स के साथ। कंज्यूमर को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी भी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी रखते हैं लोग। कई कई मार्केट में अभी भी आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक्सपायर्ड, ठीक, या फिर वो चीज़ डिफेक्टेड होगी, उस पर कोई डिफेक्ट होगा, या फिर वो इतना सेफ नहीं होगी, हार्मफुल होगी चीज़, ठीक। उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विसेज में देखने को मिलता है। उसके अलावा कई बार ऐसे भी करते हैं लोग कि अगर आप कुछ और कुछ चीज़ लेने जाओ बट उसकी जगह वो दूसरा बोल देते हैं कि हाँ ये ले जाओ, वो अपनी चॉइस थोप देते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। जो प्रोडक्ट वो उनको बेचना होता है वो हमें बेच देते हैं। ऐसा हुआ है, काफ़ी बार होता है ऐसा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो ऐसे काफ़ी सारी रीजंस है जिसमें वो, मतलब, काफ़ी एक्सप्लोटेशन देखने को मिलता है हमें, ठीक। या फिर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे जो अगर सब्जी की शॉप में जाए ना तो कई कभी कभार ऐसा होता है कि वो लेस वेट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा कम करके ही हमें पकड़ा देते हैं। हम कभी कभार चेक नहीं करते हैं ना, देखते नहीं हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एडल्ट्रेटेड गुड है, एडल्ट्रेटेड मतलब एक्सपायर्ड ही है, काइंड ऑफ, ठीक। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती है, और इसका यही मतलब है कि मार्केट फेयर मैनर में नहीं चल रहा। बहुत कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो काफ़ी अच्छे मैनर में चीज़ें बेच रहे हैं, बट कुछ ऐसे नहीं। आज तो हर चीज़ में मिलावट है, आप देखो मिल्क में मिलावट आ रही है, ठीक है। दुकान वाला तो रहने दो, कोई हम ऐसे होते हैं ना, हम लोकल लोगों से दूध लेते हैं जो गाय पालते हैं, उसमें भी आपको मिलावट देखने को मिलेगी। इतना पानी मिला के देते हैं आजकल लोग, हर चीज़ में मिलावट है। और प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज है ना जिनकी बहुत ज़्यादा वेल्थ है, पावर है, रीच है, और ऐसी ऐसी जो है ना वो ऐसे कंपनीज बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेती है मार्केट पे। अब देखो आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, लोग ना ब्रांड नेम देखते हैं,
कि ठीक है इसका तो ये ब्रांड नेम है, इसका तो ये ब्रांड नेम है, बट कोई भी पैकेट है ना, उस पैकेट का सामने का रैपर नहीं, उसको पलट के पीछे देखो उसके अंदर क्या है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लाई है, विच इज़ कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, ऐसे एक्सप्लोटेशन से बचवा, हमें लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर मूवमेंट इंट्रोड्यूस करा, जिसमें वो इंश्योर करते हैं कि गुड्स की, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। ठीक, इससे ये एक जो सबसे मेजर स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और जिसको कोपरा भी बोला गया। ठीक है, कोपरा के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और ठीक है, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स पढ़ने के लिए हम कुछ यू नो केस स्टडीज़ के थ्रू हम सारे कंज्यूमर राइट्स पढ़ेंगे, ताकि आप रिलेट कर सको, ताकि वो ना रिलेटेबल बन जाए, और जब चीज़ें रिलेटेबल हो जाती है ना, वो अंडरस्टैंडेबल भी बन जाती है। ठीक है, ईजी हो जाती हैं चीज़ें हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट। चलो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं रीजी का, रीजी जी का एक केस स्टडी है। रीजी मैथ्यू है एक 9th क्लास का बॉय। ठीक है, वो एक प्राइवेट क्लिनिक में जाता है अपने टॉन्सिल्स रिमूव कराने के लिए। तो उनको एक एनेस्थीसिया ही दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया। बट उस एनेस्थीसिया से रीजी के ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी बची हुई पूरी लाइफ के लिए अपाहिज हो जाता है। ठीक है, उसके फादर जो है वो डिस्प्यूट डालता है रिड्रेसल कमीशन में, 5 लाख का कंपनसेशन के लिए। रिड्रेसल कमीशन हम बाद में पढ़ेंगे, बट जो स्टेट कमीशन है वो बोलते हैं कि आप एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, और वो रेजी के फादर फिर से रिड्रेसल डालते हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है वहाँ पे कंप्लेंट को देखने के बाद फिर हॉस्पिटल में केस जाता है, और कंपनसेशन के लिए उनको, फिर रीजी के फादर को रीजी के लिए कंपनसेशन देखने को मिलता है, लेने को मिलता है। ठीक है, तो अब जो प्रोड्यूसर्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा सारी सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस, बिकॉज सब कंज्यूमर के पास है सेफ्टी का राइट। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। ठीक, इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, ये है राइट टू बी इन्फॉर्म, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके लिए तो हमें राइट टू हमें इन्फॉर्मेशन का राइट तो है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, RTI तो हमारा राइट है। ठीक है, सो अब इसका हम पढ़ लेते हैं केस स्टडी अमृता के थ्रू। ठीक है, तो अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बाकी उन्होंने अपने सारे सर्टिफिकेट और एक इंटरव्यू किया था एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए, बट अभी तक काफ़ी टाइम हो गया है, कोई रिजल्ट, कोई न्यूज़ नहीं आया है, इसलिए वो RTI एक्ट में एक एप्लीकेशन फिल करती है, जिसके थ्रू उन्हें पता चलता, और वो उस स्टेटमेंट में लिखती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, प्लीज़ बता दो, ताकि वो अपना प्लान, फ्यूचर प्लान पता कर सके। तो फिर उसके बाद उनको पता चलता है, जब वो लेटर इतना डिले के बाद उनको पता चलता है कि वो उनके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर आया है, और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है वेल पे, ठीक, इंटरव्यू पे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट है कि हम पता, हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विस, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा उसका उसका बैच नंबर, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी डेट, फिर उसका ना उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका MRP, ये सब कुछ उसमें होता है। ठीक, इसके अलावा उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन पे हमने देखा होगा, सब कुछ दिया होता है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं सिर्फ ब्रांड, सामने का ब्रांड देख के नहीं चीज़ें खरीदनी है, उसको पलट के देखो उसके पीछे क्या क्या डला हुआ है। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, इसमें आता है हमारा राइट टू चॉइस। हमारे पास चॉइस है, ठीक है, हमारे पास राइट है कि हमें, तुम खुद चूज़ करेंगे हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अभिरामी के बारे में, जो कि एक अंसारी नगर में एक स्टूडेंट है जिसने 2 साल के लिए एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट को में वो ज्वाइन किया था उन्होंने न्यू दिल्ली में। तो उस ज्वाइनिंग फीस के लिए उन्होंने 61,000 रुपीज़ पे किया था, लमसम था ये 2 साल के लिए। बट उन्होंने 1 साल पढ़ा और 1 साल के बाद उन्हें वो पसंद नहीं आया, इसलिए वो बोलती हैं इंस्टीट्यूट को कि 1 साल का आप मेरा पैसा वापस कर दो। ठीक है, 2 ईयर्स का था, सो वाना और वान 1 साल तो वो लगा देती है, सो दूसरे साल का वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे आप मेरा जो भी पैसा है वो वापस कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगी अब, क्योंकि उनके पास राइट था चूज़ करने के लिए इसीलिए। बट इंस्टीट्यूट मना कर देता है। उसके बाद जब वो कंज्यूमर कोर्ट है उधर जाके, वो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ जाके अपील करती है, वो बोलता है कि इंस्टीट्यूट को कि इनके 25,000 रुपीज़ वापस कर दो, बट वो नहीं करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट खुद स्टेट लेवल पे जाके वो करता है कि ऐसा मैसेज आया है, बट स्टेट कमीशन भी ये रिस्ट्रेन कर देती है और बदले में उनको 7,000 रुपये और डालने को पड़ता है एज एन कंपनसेशन एंड इटिगेशन कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने फालतू में अपील डाली थी। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था, बट अगर आप एक लोकल एग्जाम्पल देखिए तो आपने देखा होगा, अगर आप मम्मी के साथ ना कभी कुछ खरीदने गए होंगे, जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो कभी कभार जो दुकान वाले होते हैं वो को एक एक चीज़ में अड़ जाते हैं कि हाँ ये वाला अच्छा नहीं है जो हमने पसंद किया, ये वाला अच्छा, आप यही खरीदो भाई, क्यों, हमारे पास राइट है चूज़ करने का, बट नहीं, वो बोलेंगे इसमें ये खराबी वो खराबी, आप यही खरीदो, वो अड़ जाते हैं ना। तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे पास राइट है चूज़ करने का, आप हमें नहीं बोलेंगे हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं। ठीक है, अगर हमें टूथब्रश खरीदना है तो ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या खरीदना है, किसी के पास ये चॉइस नहीं है, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो हमारी चॉइस को डिनाई कर सके, जो हमें लेना है हम वही लेंगे। ठीक है, वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस, ये तो हमने पढ़ लिया कि कंज्यूमर कोर्ट्स है, बट अब कंज्यूमर कोर्ट्स को, अब इसके लिए भी हमारे पास एक राइट है, राइट टू सीक रीएड्रेसल, तो कहाँ जाएगा एक आदमी, एक कोई भी कंज्यूमर अगर उसके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे प्रकाश अंकल जी का। तो प्रकाश अंकल जी डालते हैं एक मनी ऑर्डर उनकी बेटी की शादी के लिए, बट वो पहुंचता ही नहीं है उनकी बेटी तक। और जब वो पता करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस वाले कुछ अच्छे से उनको बताते नहीं हैं, फिर उनको जब वो क्वेरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है तब वो जाते हैं कंज्यूमर फोरम में, जो उनका काउंसिल में ही था। ठीक है, फिर वो डालते हैं एक लेटर और वो फाइल कर देते हैं उसको, नोटिस को। उसके बाद जो ना जो कोर्ट है वो देख वो उनका एड्रेस लेता है, फिर उसके बाद वो सुनते हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स बोथ पार्टी की, फिर वो वर्डिक्ट सुना देते हैं, जज वर्डिक्ट सुना देते हैं रिड्रेसल के लिए। क्या वर्डिक्ट सुनाते हैं, उन्हीं के फेवर में होना चाहिए वैसे तो, दिया लिखा तो है नहीं। ठीक, कोपरा में ना 3 क्वायर जुडिशियल मशीनरी का चलता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे हम क्लेम्स डाल सकते हैं अप टू 1 करोड़ का, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ to 10 करोड़, और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ के ऊपर का जब आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो आपको कौन से लेवल तक जाना है ये डिपेंड करता है आपका नुकसान किस बेसिस पे हुआ है। ओके, हम किसी भी कोर्ट में जाके शो कर सकते हैं ये है हमारा राइट टू रिप्रेजेंट, ठीक है, राइट टू बी हर्ड। ठीक, समझ जा रहा है, आगे समझ आप लोगों को। इसके बाद आता है लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। अब देखो, एक एक हमारा एक और राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट आर राइट्स, हमें पता होने चाहिए हमारी क्या क्या राइट्स है। अ वैन अ कंज्यूमर शुड बी कॉन्शियस अबाउट हिज और हर राइट्स। ठीक है, तो कैसे हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे, वो हमारे पास होता है चॉइस। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, इसके लिए काफ़ी सारे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं हमें, जैसे जागो ग्राहक जागो, एक बहुत फेमस टैगलाइन है, वैसे जागो ग्राहक जागो। ठीक,
तो जाग जाओ अब ग्राहकों, देखो पैकेट को पलटो, देखो चीज़ें क्या है। कुछ मार्क्स है, ISI और एग मार्क। ISI एक मार्क है जो कुछ ऐसी चीज़ों में देखने को मिलता है, जैसे हेलमेट हो गया, ठीक। एग मार्क एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ों पे देखने को मिलता है, हॉल मार्क देखने को मिलता है इसमें, ज्वेलरी में, ज्वेलरी में हॉल मार्क का आपको देखने को मिलेगा जब मेटल्स होते हैं, ठीक है। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था 1986 में। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई भी आदमी अपना अपना कोर्ट अपना केस खुद भी लड़ सकता है, या फिर लॉयर को भी एंगेज कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए जो कोपरा एक्ट है उसको 2019 में फिर से अमेंड किया गया था, क्योंकि अब क्योंकि 1983 में चीज़ें नहीं थी, जैसे ऑनलाइन नहीं हुआ करता था उस टाइम, तो आज के टाइम पे ऑनलाइन भी चीज़ें होती हैं। सो उसके लिए 2019 में फिर से रिवाइज किया गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था। सो हेयर डेट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड 10th क्लास सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। सो सून विल स्टार्ट क्लास 11th, एंड देन यस। सो थैंक यू वेरी मच।